देश के 5 राज्यों में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा और मिजोरम को पत्र लिखकर सतर्क रहने और सख्त निगरानी रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अगर आवश्यक हो तो जरूरी कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि जरा सी चूक से महामारी प्रबंधन में अब तक किया गया कार्य प्रभावित हो सकता है। पिछले सप्ताह इन 5 राज्यों में COVID-19 मामलों में वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए निगरानी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम के प्रयासों का पालन होना जरूरी है। राज्यों से सभी स्वास्थ्य केंद्रों में फ्लू जैसी बीमारी और SARI मामलों की नियमित आधार पर निगरानी करने, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के निर्धारित नमूनों के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग, जांच स्थलों से नमूनों का संग्रह करने के लिए कहा गया है। पिछले सप्ताह इन 5 राज्यों में COVID-19 मामलों में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। टीकाकरण पर भी स्वास्थ्य सचिव ने जोर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी पात्र लोगों के टीकाकरण पर भी जोर देने को कहा। साथ ही मंत्रालय और सामूहिक प्रयासों से राज्यों को अपेक्षित सहयोग देना जारी रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इससे पहले केंद्र सरकार ने आज घोषणा की है कि COVID-19 की बूस्टर डोज अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को दी जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि निजी केंद्रों पर टीकाकरण 10 अप्रैल से शुरू होगा। आपको बता दें, कोरोना के कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं। देश में 1109 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की आंकड़े सामने आए हैं। संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,30,33,067 पर पहुंच गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 11,492 रह गई है। शुक्रवार को 43 और मरीजों की मौत के बाद से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,573 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.03% है, जबकि COVID-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.76% है।